हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो लेक्चर तक बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट वी स्टार्ट। सौरव एंड गौरव द आर टू पार्टनर्स और वो अपना प्रॉफिट 1:1 में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने चुनमुन को एडमिट किया और चुनमुन के एडमिशन के बाद में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:3:2। आपसे पूछा कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हैं। यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे उसी वे में हम करेंगे। सबसे पहले हम बेस प्रॉफिट लेंगे फर्म का बाय मल्टीप्लाइंग बाय ओल्ड डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे बेटा ओल्ड रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और न्यू रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो 9 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आती है वो आपका बेस प्रॉफिट आप मान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 18 रुपीज़ को ओल्ड रेशियो में बांट दें चुनमुन को छोड़ के। तो 18 रुपये पहले सौरव और गौरव बराबर बराबर बांटते थे, अब उसी 18 रुपये को सौरव, गौरव और चुनमुन 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो इस प्रकार से इनका जो न्यू रेशियो होगा, न्यू शेयर जो होगा वो 8:6:4 होगा। 8:6:4 होगा, 8:6:14:4:18। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे पहले उसको 9 रुपये मिल रहे थे सौरव को, अब उसको 8 रुपये मिलेंगे। तो 1 रुपये उसका कम हो गया, यानी 1 रुपये का वो क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। गौरव का पहले 9 का शेयर आता था, अब उसका शेयर 6 रुपये आएगा, तो उसको 3 रुपये का लॉस होगा। मीन्स 3 रुपये का वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पे पहले चुनमुन को कुछ नहीं मिल रहा था, अब उसे 4 रुपये मिलेंगे, यानी 4 रुपये का वो गेन कर रहा है। और अगर वेरीफाई करें 1+3, ये 4 रुपये किसको मिल रहे हैं बेटा, चुनमुन को। तो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका होगा बेटा, सेक्रीफाइस का रेशियो होगा, दैट विल बी 1:3, इट विल बी योर आंसर। ये पार्ट ए था। अब क्वेश्चन नंबर 13 का ही पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी तीन पार्टनर थे और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 3:2:1। डी पहले नहीं था, उन्होंने डी को एडमिट किया और डी को एडमिट करने के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:4:2:2। आपसे पूछा है व्हाट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। What will be sacrificing ratio? So let we start. Let base profit of firm equal to 3+2+1. तो इसका denominator हो गया बेटा 6. 2+4+2+2. इसका डिनोमिनेटर हो गया 10। सो लेट वी टेक द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹60। इस 60 रुपये को पहले ए बी सी बांटते थे और बाद में ए बी सी डी तीनों चारों बांटेंगे। तो पहले ए बी सी का ओल्ड शेयर था, फिर इनका न्यू शेयर आ जाएगा। अगर घटता है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर बढ़ता है तो गेन होगा। 60 रुपये को 3:2:1 में बांट दें आप, 30, 20, 10। अब उसी 60 रुपये को न्यू रेशियो में बांट दें आप, तो बेटा ये आ जाएगा 12, 24
बारह और बारह। एक का शेयर पहले 30 रुपये था, अब उसका 12 रुपये हो जाएगा, तो इसका 18 रुपये से शेयर घट रहा है। बी का शेयर पहले 20 रुपये था, अब उसका 24 रुपये हो जाएगा, तो इसका शेयर 4 रुपये से बढ़ रहा है, तो बी क्या कर रहा है बेटे, गेन कर रहा है। सी का पहले 10 था, अब बढ़ के 12 हो जाएगा, तो ये भी 2 रुपये का गेन कर रहा है। और डी का पहले 0 था, अब उसका 12 हो गया, तो ये 12 का क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। 12 2 14 और 4 18 18 रुपीज सारे के सारे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, ए। तो हेयर सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी दैट विल बी 18:0:0, यानी कंप्लीट सेक्रीफाइस बाय ए। इट वाज द सॉल्यूशन नंबर 13B। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का पार्ट ए। ए बी सी आर 3 पार्टनर, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर। और आपसे पूछ लिया कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स, देन यू विल अज्यूम ओल्ड रेशियो एज सेक्रीफाइस रेशियो। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है किसके बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, कि कौन कितना अपना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, तो हम ये मानते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है वो ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाएगा। सो इन दैट क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 2:1, इट विल बी आवर आंसर। ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया जाएगा। 14 का भी ऐसा ही है कि दो पार्टनर थे ए और बी, 5:3 में सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो सॉल्यूशन वो स्टेटमेंट हमें लिखनी है। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा आपका, 5:3, इट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्टनर हैं ए और बी, दे आर पार्टनर इन द रेशियो 7:3, दे एडमिटिंग सी बट इज शेयर इज नॉट गिवन, बट इन क्वेश्चन ए सरेंडर 1/7 एंड बी सरेंडर 1/3 इन फेवर ऑफ सी, किसके फेवर बेटा, सी के फेवर में। दो पार्टनर हैं 7:3 में, ए अपने हिस्से का सरेंडर कर रहा है 1/7 और बी अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर कर रहा है, किसके फेवर में बेटा, सी के फेवर में।
सरेंडर 17 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, दोनों में लिखा हुआ ऑफ हिज शेयर। सो यू कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, सो अगेन हम इसको करते हैं। सॉल्यूशन, लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म, बिल्कुल उसी वे में 7 और 3 का जो टोटल होता है वो 10, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो बेस प्रॉफिट हो गया आपका 210, 210 रुपये। ए बी सी, इस 210 को पहले ए और बी बांटते थे, सी नहीं था, ए अपने हिस्से का 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में, तो इस प्रकार जो निकल के आएगा वो होगा आपका न्यू शेयर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 210 रुपये को 7:3 में बांट दीजिए, तो 147 और 63, पहले एक को मिलते थे 147 और बी को मिलते थे 63। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए सरेंडर 17 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर है 147 का 1/7 यानी 21 रुपीज सी के फेवर में, इसके घटा के सी के जोड़ देंगे, और बी अपने हिस्से का 1/3, बी का हिस्सा कितना है 63, उसका 1/3, तो ये भी कितने छोड़ रहा बेटा 21 रुपये, तो दोनों ने 21 रुपये छोड़े, तो सी को मिल गए 42 और इसके रह गए 126 और इसके रह गए 42। अब आपसे पूछे सेक्रीफाइस रेशियो बताइए, सेक्रीफाइस रेशियो, तो दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, 21:21 दैट विल बी 1:1। और आपसे पूछे न्यू रेशियो बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 126:42:42, 21 से कट जाएगा, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126:22, अभी 2 से कट रहा है 3:1:1, इट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस प्रकार किया जाएगा बेटा, आपका जो सेक्रीफाइस है उसका रेशियो निकाल देंगे तो होगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो, आपका जो न्यू शेयर है उसका रेशियो निकाल देंगे तो होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 15। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। में ए बी आर टू पार्टनर इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट सी बट ए शेयर इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर सी, और बी के लिए बोला बेटा 110 फ्रॉम हिज शेयर, दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है बेटा, यहाँ पे लिखा हो ऑफ हिज शेयर और यहाँ पे लिखा हो फ्रॉम हिज शेयर फॉर सी, सी के लिए फॉर सी, तो बेटा
इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें फ्रॉम और ऑफ का पता होना चाहिए। फ्रॉम फ्रॉम का मैंने बताया था ऑफ फ्रॉम, और ऑफ का मीनिंग होता है हिमसेल्फ, उसका खुद का। ऑफ का मतलब होता है ऑफ हिमसेल्फ, उसका खुद का। तो अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर 5 है बेटा, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 10 है। लेट बेस प्रॉफिट इज रुपीज 150। पहले 150 रुपए को ए और बी बांटते थे, तो उनका ओल्ड शेयर होता था। अब उसका ए अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करेगा और बी टोटल का 1/10 सेक्रीफाइस करेगा और इस प्रकार सी को होगा गेन। तो ये निकाल लेंगे हम न्यू शेयर। सो 150 रुपये पहले ए और बी 3:2 में, यानी 90 ए ले जाता था घर पे और 60 रुपये मिलते थे बी को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए अपने हिस्से का ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मीन्स खुद के हिस्से का 1/3, उसका हिस्सा कितना 90 का 1/3 30 सी के फेवर में, सी को मिल जाएगा। और बी फर्म का 110, फर्म का 150 रुपये है, 150 का 110 यानी 15 रुपये सी के फेवर में छोड़ेगा। तो यहाँ पे ए का जो शेयर बचेगा वो 60 बचेगा, बी का बचेगा 45 और सी का भी हो जाएगा 45। तो इस प्रकार इनका जो फाइनल जो रेशियो होगा, पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो किसका होगा बेटा, सेक्रीफाइस का 30 और 15, तो 15:1। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका होगा 60:45, 4:3:3। इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट वी स्टार्ट पार्ट बी, 16 का पार्ट बी। देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी एंड डी। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर फॉर डी। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आइए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट बेस प्रॉफिट इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 64। हमने प्रॉफिट माना कितना 64। बेस प्रॉफिट किसका बेटा, फर्म का। अब यहाँ पे पहले दो पार्टनर थे, दो और इंक्रीज हो गए। पहले इस 64 रुपये को ए और बी 5:3 में, यानी 40 रुपये
ए को मिलते थे और 24 रुपये बी को, सी और डी को पहले कुछ नहीं मिलता था। अब ए 1/2 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज, ऑफ का मत मीनिंग बता रहे थे मैंने, उसका खुद का 1/2 यानी 20 रुपये किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी, तो सी को क्या हो जाएगा बेटा, सी को हो जाएगा गेन, इसके में से माइनस करके सी को दे दिए जाएंगे। और बी 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम का मतलब ऑफ फर्म 64 रुपये का 1/4 यानी 16 रुपये किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ डी, तो ये 16 रुपये किसको मिलेंगे बेटा, डी को। और फाइनली इनका न्यू प्रॉफिट, न्यू शेयर निकल जाएगा, न्यू शेयर, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे बचेंगे 8, यहाँ पे 20, 16, तो यहाँ पे हम अगर सेक्रीफाइस रेशियो देखें तो 20:16 यानी 5:4, और न्यू रेशियो अगर देखें सेक्रीफाइस रेशियो 20:16 का, दैट विल बी 5:4, और न्यू रेशियो होगा इनका 20:8:20:16, तो 4 से कट रहा है तो काट दीजिए, 5 4 20, 4 2 8, 4 5 20, 4 4 6, इट विल बी 5:2:5:4, दैट विल बी फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पार्ट हैं, तो सी वाला आप डिस्कस आप खुद कर लेना, 14 में आई थिंक 3 पार्ट हैं, और 15, 16 मैंने आपको करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच बेटा, वीडियो रोज़ाना देखें, अपनी पढ़ाई रोज़ाना करते रहें, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें या आप मुझे कॉल कर दें। थैंक यू।